दुनिया जी के जमाने में आते आते राम काल्पनिक होने का हलफनामा तक हो गया। यानी बहुत साफ है कि यह प्रवृत्ति जो आज कांग्रेस ने दिखाई है एक मौका था कि आज आप अपने को बदल कर दिखा सकते थे, परंतु आपने ऐसा नहीं किया। परंतु मैं एक और बात स्पष्ट करना चाहता हूं, यह नेहरू की कांग्रेस है, यह गांधी की कांग्रेस नहीं है। क्योंकि महात्मा गांधी का तो राजनीतिक दर्शन था राम राज्य, महात्मा गांधी का नित्य का भजन था रघुपति राघव राजा राम, महात्मा गांधी की समाधि पे लिखा हुआ है हे राम। और आज उस राम राज्य की प्राण प्रतिष्ठा का प्रारंभ हो रहा है, श्री गणेश हो रहा है, और आप उसके साथ नहीं खड़े हैं। इसका मतलब बहुत साफ है कि ये गांधी की कांग्रेस और नेहरू की कांग्रेस का अंतर भी बिल्कुल साफ हो गया है। आज इस अवसर को जो इन्होंने अपने हाथ से गवाया है, ये कांग्रेस के अंदर का भारतीय संस्कृति, हिंदू धर्म और हिंदुत्व के प्रति जो विरोध है उसको दर्शा। अब बताइए इससे ज्यादा क्या होगा कि श्री राम जन्मभूमि केस में जो बाबरी मस्जिद पक्ष के पक्षकार इकबाल अंसारी थे उनको इन्वाइट किया गया है। ये हिंदू धर्म की महान उदारता के परंपरा के अनुरूप गोली चलाने वालों को भी इन्वाइट किया गया। बताइए वो आने को तैयार है जो मुख्य पक्षकार थे, मगर चंद कट्टरपंथी वोटों की तिजारत की गलाकाट प्रतिस्पर्धा में कांग्रेस और कांग्रेस गोत्र के सारे दल, कांग्रेस की परंपरा के सारे दल आज हाहाकार मचाने को तैयार। तो आपने हिंदी में कहावत सुनी होगी ना कि मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त, यहां तो मुद्दई साथ में आके खड़ा हो गया। अगर इसके बावजूद इन लोगों के मन में अभी भी वह लोभ दिखाई पड़ रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि एक कहावत होती है कि राम नाम कड़वा लगे और प्यारा लागे दाम, तो दुविधा में दोनों गए न माया मिली न राम। स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इस प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार करके कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की परंपरा, कांग्रेस गोत्र के जितने दल हैं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वो राजनीतिक दृष्टि से निष्प्राण तो होते ही जा रहे थे, अब उनकी प्रतिष्ठा भी समाप्त हो गई। श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आपके मन में जो भी ईर्ष्या है, द्वेष है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, उसको लेकर आप भारत के विरोध तक चले जाते थे, आज भगवान के विरोध तक चले गए। इसलिए मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं, एक बार श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने जब इनवाइट किया था तो उन्हें सद्बुद्धि आई होती तो शायद वो अपने पूर्व कर्मों का परिष्कार करने के लिए आ जाते। वैसे कांग्रेस पार्टी के अंदर ही कई नेता इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि शायद उनके मन में यह भी हो, मुझे पुराना भजन है ना, मैली चादर ओढ़ के तेरे द्वार पे कैसे आऊं, क्योंकि इतने पाप किए हुए हैं उन्होंने, परंतु आज उस पाप के परिमार्जन का अवसर था, वो भी आपने छोड़ दिया है। तो इसके लिए मैं रामचरित मानस की एक चौपाई कहता हूं कि आकाश से जल मतलब जो बादल है अमृत तुल्य जल क्यों ना बरसा दें, बेंत का जो वृक्ष होता है ना उस पर फूल नहीं उगते, बेंत पे फलों फूल नहीं आते, बैंबू जिसको कहते हैं। उसी प्रकार विरंच अर्थात ब्रह्मा जी के जैसा भी आपको योग्य गुरु मिल जाए, फिर भी जो मूर्ख लोग होते हैं, उसे शब्दशा ना कहा जाए, मूर्ख लोग होते हैं, उनके हृदय में चेतना नहीं उत्पन्न होती। कहा गया है जगत सुधा बरस ही जलत फूल ही फल ही न बेत, जो गुरु गुरु मिल ही विरंच सम मूर्ख हृदय न चेत। इस कारण से उनके हृदय में यह चेतना नहीं आ पा रही है। परंतु मैं अंत में पुनः स्पष्ट करना चाहता हूं कि हर ऐतिहासिक अवसर का विरोध करते करते कांग्रेस ने आज भारत भारतीयता के श्रेष्ठतम मूल्यों के प्रतीक भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार करके यह दर्शा दिया है कि उनके लिए राजनीति और राजनीति में भी कट्टरपंथ की राजनीति, हम किसी समुदाय की बात नहीं करें, कट्टरपंथ की राजनीति अधिक महत्वपूर्ण है और राष्ट्र के आदर्श और प्रेरणा कम महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं यह भी कहना चाहूंगा कि भगवान राम वो आदर्श हैं जो सभी मत संप्रदायों के लोग मानते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध देश थाईलैंड का राजा टाइटल होल्ड करता है, किंग रामा द 10th। सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया में प्रतिशत के हिसाब से भारत से ज्यादा रामायण होती है, सारे पात्र मुस्लिम होते हैं। लगभग 60% देश जहां लोग जहां नास्तिक हैं, वहां साउथ कोरिया की लेडी मानती है कि उसका वंश परंपरा भगवान राम से है। परंतु अफसोस की बात यह है कि यहां पर जो लोग अपने को गांधी का स्वयंभू उत्तराधिकारी कहते हैं वो उसके विरुद्ध खड़े हैं। अफसोस की बात यह है कि आज तक उन्होंने अपने बाकी कर्मों के लिए कभी माफी नहीं मांगी है, मगर यहां पर उनको विरोध नजर आया। तो इसलिए मैं स्पष्ट रूप से कांग्रेस से कहना चाहूंगा कि आप इसके द्वारा यह साफ स्पष्ट कर दीजिए कि अब आप अपने पुराने बयान पे कायम है कि नहीं। श्री पीवी नरसिम्हा राव ने दिसंबर 1992 में कहा था ना, वह तथाकथित मस्जिद दोबारा बनवाएंगे, वो बयान से तो बहिष्कार किया नहीं, अपना विड्रॉ किया नहीं, और इससे विड्रॉ कर रहे हैं। यह दर्शाता है कि कांग्रेस के अंदर की मूल प्रवृत्ति क्या है। देखिए, यह आयोजन श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के द्वारा हुआ है और भगवान के द्वार पर अपना पराया किसको नजर आता है, भगवान के द्वार पर इस दल और उस दल का कौन नजर आता है। परंतु हमने तो कभी नहीं कहा कि श्री राम जन्मभूमि के विरोध में आपके नेता वकील का चोला उड़कर खड़े होते थे। इसलिए इसका किसी संगठन विचार से कोई मतलब नहीं, ये भारतीय संस्कृति भारतीय परंपरा के श्रेष्ठतम मूल्यों का प्रतीक है। इसलिए इसके बारे में वो करना सिर्फ एक बहाना ढूंढ रहा है। जैसे किसी को कोई कार्य न करना हो तो वो बहाना ढूंढता है कि
किस आधार पे हम इस चीज के में अवरोध उत्पन्न करें, तो चूंकि ये सदा सर्वदा से अवरोध उत्पन्न करते रहते, तो अंतिम समय पे भी कुछ ना कुछ विघ्न उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। परंतु आप आश्वस्त रहिए, महान भारत की विकास यात्रा की प्राण प्रतिष्ठा मोदी जी के नेतृत्व में हो चुकी है, और अब भारत के सांस्कृतिक उत्थान और सांस्कृतिक गौरव की प्राण प्रतिष्ठा और सांस्कृतिक स्वाभिमान की प्राण प्रतिष्ठा श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के द्वारा इस कार्यक्रम के द्वारा। देखिए ऐसा है कि चौपाई है सकल पदार्थ है जगमाही कर्म ही न पावत में, तो सभी अच्छे अच्छे अवसर संसार में उपलब्ध हैं, परंतु कुछ लोग जो अपने कर्म से हीन होते हैं उन्हें प्राप्त नहीं होता, इसलिए हर ऐतिहासिक अवसर पर भागीदार बनने से कांग्रेस वंचित रहती है और उसका विरोधी के रूप में खड़ी होती है। देखिए ऐसा है कि कुछ लोग चंद विदेशी इतिहासकारों के द्वारा पढ़े गए इतिहास के से उनके दिमाग इतने भरे हुए हैं, उसके लिए क्या कहा जाए। वैसे तो उनसे अगर पूछा जाए कि कौन सी किताब में लिखा है तो बता नहीं पाएंगे, तो उनके लिए मैं एक ही पंक्ति कहना चाहूंगा कि अपने वतन पर सदियों तक है रही हुकूमत गैरों की, लेकिन कुछ चेहरों पर अब तक धूल है उनके पैरों की, ये लोग उसी के नगरी हैं। देखिए यही तो प्रॉब्लम है, कांग्रेस सत्ता में रहे या प्रतिपक्ष में रहे, वो खातों का लिंक जो है हमेशा गलत ही होता है। यहां से दिया जाता था पता नहीं, खाते विदेश में होते थे वहां पहुंच जाता था, वो नेशनल हेराल्ड का दिया गया हो कौन से खाते में पहुंच गया जाके, तो इसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, ये तो इधर का माल उधर उधर का माल इधर करने वाली कांग्रेस की पुरानी प्रवृत्ति के अनुरूप है। एकता का दम भरने वाले आप बंटवारे के नाम पे बिखराव की तरफ बढ़ रहे हैं, और वो अलग अलग वहां पे तो पहले भी अलग थे, तो शायद उनके दलों के लिए ये पंक्ति उचित लगती है कि आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, एक में भी तन्हा थे 100 में भी अकेले हैं। न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, जब भगवान राम को न्याय देने की बात आती है तो कितना घबरा जाते हैं, कितना पिछले होते हैं, ये कांग्रेस की हकीकत है, ये उनकी सच्चाई। देखिए कल जो बयान आया था, कल जो राहुल नार्वेकर जी ने पॉइंट्स बनाए हैं, उन्होंने सारे टेक्निकल बातें स्पष्ट कर दी है। 2018 में एक पक्ष प्रमुख का अलग स्थान उद्धव जी ने क्रिएट किया था जो कि गैर कॉन्स्टिट्यूशनल था, तो 1999 के शिवसेना कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उनको कोई अधिकार नहीं बनता है उद्धव ठाकरे को कि वो किसी भी व्यक्ति को अपनी पार्टी का बर्खास्त कर सके, तो सारी बातें टेक्निकली स्पष्ट है। लेकिन जब विनाशकाली विपरीत बुद्धि आती है तो देखिए उनका विनाश उसी दिन आरंभ हो गया था जब उन्होंने कांग्रेस से नाता जोड़ा, तो ये एनीवे ये विषय अलग था, हम सेपरेटली उस पर बात।